चेमरे मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो रेहान, आई एम सॉरी इस वक्त तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर कल तक वेट नहीं कर पाई। नो प्रॉब्लम, मैं सोई नहीं थी, बताओ ना क्या बात है। हाँ वो एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट बात थी। एमर जा रहा है ना? तुम्हारी अभी तो उनसे बात हुई है ना? हाँ हुई है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। इनफैक्ट मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो आखिर जा क्यों रहा है। ऐसा क्या हो गया? उन्होंने तुम्हें इसका जवाब भी तो दिया था ना? ओह, तो तुम सीधे सीधे जवाब नहीं दोगी, मगर तुम मुझसे अमर को नहीं छीन सकती। देखो रेहान, मेरी याददाश्त पूरी तरह नहीं गई है। मुझे अमर के बारे में सब कुछ याद है। मैं जानती हूँ कि अमर को जहाँ जहाँ खुशी मिलती है वो वहाँ से दूर नहीं जाता। जो कहना चाहती हो वो साफ साफ कहो। देखो मुझे नहीं पता पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि मैं जानती हूँ कि अमर कैसा है। और शादी के पहले वो ऐसा नहीं था, तो ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ महीनों में? मैंने कुछ अफवाहें भी सुनी हैं रेहान। लोग कहते हैं कि तुम्हारी और अमर की शादी एक सौदा थी। आई एम सॉरी लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगी, और मुझे लगता है कि वो तुम्हारी वजह से जा रहा है। नहीं, वो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं जेमरे, उन्होंने कहा ना। रेहान देखो प्लीज मुझे गलत मत समझो, लेकिन मैं अमर को अच्छे से जानती हूँ और इसलिए तुमसे ये पूछ रही हूँ कि, और उनकी वाइफ ने तुम्हें जवाब दे दिए हैं, और कुछ पूछना है? नहीं नहीं डियर, गुड नाइट। बदतमीज लड़की, बदतमीज लड़की। गवार है लेकिन पता नहीं खुद को क्या समझती है। अमर की वाइफ होने का हक जता रही है, बार बार कहती है कि मैं अमर की वाइफ हूं। ये तो हमेशा अमर से चिपकी रहती है, क्या करूं? ओ गॉड, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना।